मध्य प्रदेश के सीधी में हुए पेशाब कांड को लेकर विपक्ष के निशाने पर आई शिवराज सरकार अब डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने पीड़ित आदिवासी दशमत रावत से सीएम आवास पर मुलाकात की। यहां शिवराज ने उसके पैर पखारे, टीका किया और साल ओढ़ाकर सम्मानित भी किया। सीएम ने घटना को लेकर दुख जताया और माफी मांगी। वहीं कल तक आरोपी की आवभगत में जुटी पुलिस अब उसे घसीटती नजर आई। मध्य प्रदेश के सीधी में पेशाब कांड को लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। इसी साल राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए विपक्ष इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहता। राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी और मायावती तक अपनी तीखी प्रतिक्रिया दे चुके हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी शिवराज सरकार पर हमला बोला है। राहुल ने कहा कि भाजपा राज में आदिवासी भाइयों और बहनों पर अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक भाजपा नेता के अमानवीय अपराध से सारी इंसानियत शर्मसार हो गई है। ये भाजपा का आदिवासियों और दलितों के प्रति नफरत का घिनौना चेहरा और असली चरित्र है। विपक्ष के हमलों को लेकर शिवराज सरकार डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। दशमत रावत को पहले भोपाल बुलाया गया, इसके बाद सीएम आवास पर शिवराज सिंह चौहान ने रावत से मुलाकात की। यहां शिवराज ने उनके पैर पखारे, टीका किया और साल ओढ़ाकर सम्मानित भी किया। सीएम चौहान ने घटना पर दुख जताते हुए माफी मांगी। सीएम शिवराज ने पीड़ित युवक को गणेश जी की प्रतिमा भी भेंट की है, श्रीफल और वस्त्र भी दिए हैं। सीएम ने पीड़ित से पूछा कि घर में कोई परेशानी तो नहीं है, कुछ भी हो तो मुझे बताना। शिवराज ने पूछा कि क्या काम करते हैं। पीड़ित ने बताया कि वो कुबेरी की मंडी में पल्लेदारी का काम करता है। सीएम ने पूछा कि बच्चे पढ़ाई करते हैं, उनको छात्रवृत्ति मिलती है या नहीं। पीड़ित ने बताया कि बच्चे को वजीफा मिलता है। शिवराज ने दशमत को सीएम आवास में नाश्ता भी करवाया। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लोगों की सेवा करना मेरा कर्तव्य है और मेरे लिए जनता ही भगवान है। बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान और गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा वीडियो वायरल होते ही नाराजगी जता चुके थे। आरोपी पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया गया है। इस बीच 5 जुलाई को जब आरोपी का घर तोड़ने बुलडोजर पहुंचा तो उसकी माँ और अन्य परिजन फूट फूट कर रो पड़े, माँ बेहोश तक हो गई। वहीं घटना का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसको लेकर आरोपी के चाचा का दावा है कि ये 3 साल पुराना है। कुछ लोग वीडियो के जरिए प्रवेश शुक्ला को ब्लैकमेल कर रहे हैं। आरोपी के परिजनों का कहना है कि वीडियो के जरिए ब्लैकमेलिंग से परेशान प्रवेश शुक्ला 29 जून को सुसाइड करने निकला था, तब उसकी मिसिंग की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई थी। सीधी की ACP अंजू लता पटले ने भी माना है कि वीडियो 2020 का है, जब मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, ऐसे समय में ये वीडियो क्यों वायरल किया गया, इसकी जांच की जा रही है। दूसरी ओर पुलिस द्वारा पकड़े जाने के बाद आरोपी प्रवेश शुक्ला दावा करता रहा कि वो भाजपा विधायक केदार शुक्ला का प्रतिनिधि है। पहले तो पुलिस ने उसकी आवभगत की, जब भाजपा विधायक केदार शुक्ला ने उसे प्रतिनिधि मानने से इनकार कर दिया तो पुलिस उसे घसीटती हुई नजर आई। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।